Is it clear? This is also the time where two religions were born in our country. Which two religions were born in our country? Buddhism and Jainism. There were two new religions born in our country. Buddhism and Jainism. There are several developments in different parts of the subcontinent during the long span of 1500 years following the end of Harappan civilization. हम बात कर रहे हैं 1900 से लेके पीछे तक जो हमने बात किया 1500 साल की बात करें क्या कल्चर था क्या लोग थे क्या था। सबसे पहले हम बात करेंगे लोग जब मरते थे उस टाइम पे क्या था कुछ इन हरप्पन सिविलाइजेशन व्हाट डिड दे बारी हिमांशु क्या टूल्स विच टूल्स आई वांट टू रियली नो विच टूल्स डिड दे बारी कौन से टूल्स बारी करते थे जगदेव कुछ तो बरी करते होंगे क्या बरी करते हैं चिंटू रिंटू पिंटू क्या बरी करते हैं रोटियां हाँ क्या क्या संविधान युगांडा का कौन सा बरी करते थे क्या बरी करते थे हाँ कुछ कौन सी चीजें कैसा कुछ चीजें बरी करते थे वेरी नाइस कौन सी चीजें बरी करते थे अगर मिस्टर नेगी होता तो मैं लव लेटर बोल देता वो तो था नहीं हाँ क्या बरी करते थे? एक्सप्लेन एक्सपेंसिव अच्छा ये हम इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं तो इजिप्ट में पैदा हुआ वो अलग बात है हम इजिप्शियन की बात नहीं कर रहे हैं व्हाट डिड दे मैक्सिमम डू सिंपल कॉपर मिरर्स देयर वाज सिंपल बीड्स नॉट जनरली एक्सपेंसिव स्टफ नाउ देयर इज अ Now there's चेंज a इन change द in the कमिंग ऑफ द प्रेजेंट थिंग करेक्ट देखो इट्स कॉपर मिरर्स राइट नाउ देयर वाज अ चेंज व्हाट वाज द न्यू चेंज दैट वाज देयर When they used to bury artifacts which used to be used, such as iron tools, hathiyar. So now we saw there was a rich range of iron tools and weapons which were buried along with the person. ये नया चेंज आया. Clear or not? लिखना स्टार्ट कर दो. मार्क करते रहो. After Harappa, the second page. ये second page है. ये जो script से होगा. Clear? एक और है megaliths. मेगालिथ्स बनने स्टार्ट हो गए फर्स्ट सेकंड ऐसे करते रहो इट इज इजियर फॉर यू टू स्टडी मैं सिर्फ बता रहा हूँ मेगालिथ्स क्या होता है बड़ा मेगालिथ्स एवरीबॉडी बड़े बड़े पत्थर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं केव टाइप उसमें मेगालिथ्स स्टार्टेड कमिंग थर्ड इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया द डेड वर बरीड सेकेंड वॉट इज द अदर थिंग दे वर नाउ न्यू सिटीज थर्ड इज द एक्सटेंशन ऑफ सिटीज स्टेट्स एम्पायर एंड किंगडम्स ये फर्क आया इन सालों में आयरन टूल्स सेकेंड क्या हो गया मेगालिथ स्ट्रक्चर्स मेगालिथ क्या हो गया जैसे रॉक पिलर्स हैं किसके अशोका के जैसे क्लियर वो सब बनने स्टार्ट हो गए थर्ड चीज क्या आई वॉट इज द थर्ड थिंग देर इज नाउ किंगडम्स क्लियर और नॉट ये तीन चीजें आई कोई डाउट इसमें किसी को क्लियर एवरीबडी क्लियर और नॉट एक्सपेंसिव चीजें इजिप्शियन जब भारत के संविधान की बात है तो युगांडा भी पहुंच जाता है जब हरप्पा की बात करता हूँ इजिप्ट में पहुंच जाता है वाइड स्प्रेड नॉलेज रखता है ये इंडिया से नहीं इज इट क्लियर और नॉट अंडरलाइंग दिस पॉलिटिकल प्रोसेस देयर आर अदर चेंजेस इन द वेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड व्हाट्स द फोर्थ थिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अब क्या हुआ आपको फर्दर हम पढ़ेंगे प्लाउ का यूज होना स्टार्ट हो गया कनाल इरिगेशन आना स्टार्ट हो गया ये सब चीजें आनी स्टार्ट हो गई क्लियर और नॉट देयर वाज मोर सेटल्ड एग्रीकल्चर अब न्यू टर्म्स ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं सबसे इंपॉर्टेंट है जेम्स प्रिंसेप व्हाई इज जेम्स प्रिंसेप इंपॉर्टेंट एंड पियादासी इज द नेम गिवन टू अशोक अशोक अपने आप को क्या बोलता था पियादासी व्हाट डज पियादासी मीन यस अमन पियादासी का मतलब क्या होता है यस इधर मिस्टर नेगी गेट अप व्हाट डज पियादासी मीन तुक्का ही मार दे पियादासी क्या हो मतलब हुआ हाँ क्या हो इसका मतलब क्या हुआ जल्दी 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 पिया मेरे को पता था यही बोलेंगे इट इज प्लेजेंट टू बिहोल्ड समबडी हु इज प्लेजेंट टू टॉक टू इज इट क्लियर और नॉट इट्स नॉट इन हिंदी वर्जन इट्स इज इट क्लियर और नॉट जेम्स प्रिंसेप ने आके ही वाज एन एपिग्राफिस्ट हु केम इन 1830 इसने दो स्क्रिप्ट डिसाइफर की कौन सी ब्रह्मी एंड करोस्ती कौन सी दो स्क्रिप्ट डिसाइफर की ब्रह्मी एंड करोस्ती जो हमारी देवनागरी है वो ब्रह्मी से बनी है उसी से बंगाली और रीजनल लैंग्वेज बनी है खरोस्ती क्या थी नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया की स्क्रिप्ट कौन सी थी खरोस्ती देवनागरी क्या है स्क्रिप्ट
इंग्लिश की कौन सी स्क्रिप्ट है जो हम लिखते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रिप्ट? बुद्धिस्ट गुरु, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो गया। और स्क्रिप्ट कौन सी आ गई? दो स्क्रिप्ट आई, ब्राह्मी एंड खरोस्ती। इज दिस क्लियर और नॉट? व्हाट डज पियादासी मीन? प्लेजेंट टू बिहोल्ड। नाउ व्हाई इज दैट अशोक इज द मैक्सिमम टॉप किंग, नॉट चंद्रगुप्त मौर्य और एनी अदर किंग? व्हाई इज अशोक द टॉप मोस्ट किंग? व्हाई नॉट कुशन्स? व्हाई नॉट गुप्तास? गुप्तास इज वेयर द गोल्डन एज वॉज देयर, वेयर एवरीथिंग ऑफ गोल्ड वॉज बींग डन। व्हाई डिड वी टॉक ओनली अशोक? व्हाई नॉट ऑल द अदर किंग्स? दैट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सोचो, बिकॉज अशोक ऐसा था, ही कॉल्ड हिमसेल्फ समबडी हु इज वेरी हम्बल। अपने आप को क्या कहता था? इवन अ किंग ही इज कॉलिंग हिमसेल्फ प्लेजेंट टू बिहोल्ड। ही इज समबडी हु इज सेइंग दैट आई एम अवेलेबल टू पीपल। सो व्हेन एट 19th सेंचुरी में जब हमारा इंडिपेंडेंस एरा का भावना स्टार्ट हुई, तो लोगों ने बोला दैट्स हाउ अ किंग शुड बी, समबडी हु शुड बी इक्वल। अशोक इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। Killed so many people and then realized, oh ho, मैंने तो बहुत गलत कर दी। अब तो मैं भाई शांति की बात करूंगा। So when he killed everybody, and he said, okay, अब मैं शांति की बात करूंगा। So he is somebody like that. But of course, the history is like that. Now, when we talk about the early 16 states, there were how many states? 16 states known as Mahajanpads. Mahajanpads. Now, ये question आया हुआ है। चेक अप योर पेपर, मैं बता रहा हूँ क्या क्या हुआ है। इनमें से कौन से वो नहीं है, महाजनपद में नहीं आते, ऐसे पूछ लिया था। दैट इज डिफिकल्ट, क्लियर और नॉट? मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ क्या पढ़ना है, इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। महाजनपद क्या है जनरली? अब इसमें दो टाइप के रूलर होते थे, एक तो जो उस किंग को रूल कर सकता है, या फिर एक ही जगह पे 5-6 डिफरेंट किंग्स हैं एक ही सिटी को रूल कर रहे हैं, क्लियर और नॉट? सारा मटीरियल वेल्थ उनके पास है। ऐसे दो लोग थे जो ऐसे इनसे आते थे। ओलिगार्की का मतलब क्या है? द रिच पीपल आर रूलिंग द स्टेट और द कंट्री। एनी सच टू पीपल हु केम फ्रॉम दीज ओलिगार्कीज, दे वर नोन एज जनास, जनास और समथिंग। यस, व्हिच आर द टू पीपल? महावीर एंड बुद्धा। दे वर बिलोंगिंग टू दीज गनास। इज इट क्लियर? व्हाट इज द सिस्टम दैट वी हैव हियर? ओलिगार्की। व्हाट इज ओलिगार्की? There is not a single king, but generally a lot of influential people who are there. Is it clear or not? What are oligarchies? Clear, everybody? Haan ji, clear sabko? What are oligarchies? Mahajanpads are the 16 kings, kingdoms that are there. So which are the 16 kingdoms that we have here? Look here. Gandhar. Gandhar se kaun tha? Yes. Ek minute. Mere ko puchne do. Ashwini batayega. Gandhar se kaun tha? कौन था गांधार से? इसी से वर्ड बना कांधार। दिस इज वेयर वी बेसिकली वांट टू से दैट इवन टिल अफगानिस्तान। कौन था बता दो, डोंट वरी। गांधारी पुत्र। कौन था गांधारी पुत्र? हाँ, सो दैट्स हाउ। अब नाम तभी तो बोल रहे हैं, अभी हम जो अभी हम अपनी एक्सकवेशन कर रहे हैं उसमें वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट ऋग्वेदा विद महाभारत पीरियड एंड टू फाइंड दैट महाभारत एक्चुअली इज देयर। गांधारी, कुरु, पांचाल, सुना हुआ है ना ये सब? ये तो आपको याद रह जाएंगे। वज, वज से कौन था? वजी से बुद्धा, ही वाज फ्रॉम दैट सन। मगध, कोसा, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, अंगा, बंगा, मगध, जो ये आपको बड़े में दिए हुए हैं, ये सब आपके क्या हैं? 16 किंगडम्स, महाजनपद। ये आपको याद कर। इसे क्लियर? क्वेश्चन क्या आता है? जेन्युइनली आ चुका है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट? इसे क्लियर? किसका नाम नहीं दिया हुआ? कई चीजें तो बहुत ही डिफिकल्ट है, जैसे अशोक, अशोका के माइनर एडिट कहाँ पे दिए हुए? दैट्स इम्पॉसिबल। इस माइनर एडिट में क्या दिया है? रट्टा मारना बहुत मुश्किल है उस चीज का। ऑफकोर्स ये याद करने का सिंपल तरीका क्या बोल रहा हूँ, किससे कनेक्ट कर दो? महाभारत। क्लियर और नॉट? व्हाट इज द सिस्टम दैट वी हैव हियर? ओलिगार्की। 16 महाजनपद का मतलब है 16 किंगडम्स थे, व्हिच इज गिवन। इज इट क्लियर और नॉट? ओलिगार्की क्या होता है? जो रिच थे वो रूल करते थे। वन सच एग्जांपल इज बोथ महावीर एंड बुद्धा कम फ्रॉम सच जनास। इज दिस क्लियर और नॉट? इतना याद रह जाएगा।
इन केस ऑफ बाजी संघ द राजास प्रॉब्ली कंट्रोल्ड रिसोर्सेज सच एज लैंड कलेक्टिवली. एक आदमी के पास नहीं था, सबके पास था. ऑल्दो देयर हिस्ट्रीज ऑफन डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट ड्यू टू लैक ऑफ सोर्सेज सम ऑफ द स्टेट्स लास्टेड फॉर नियरली अ 1000 ईयर्स. अब ब्राह्मिन्स ने बनाने स्टार्ट कर दिए क्या? धर्म सूत्र. व्हाट आर धर्म सूत्र? इज द रूल्स बाय विच एवरीबडी विल वर्क. नेक्स्ट हम बात करेंगे इस चैप्टर के बाद महाभारत की. महाभारत के अंदर क्या था? What were the caste systems like and everything we'll be discussing that. What are dharam sutra? These are the norms through which rulers are going to rule. So dharam sutra mein kya hai? Jo king hai, his job is to make sure that his people are protected. So for that, it is recognized that he can attack somebody to get the wealth, and he can also collect taxes to make sure that he is able to protect everybody. So which is the source given for him that he can collect the taxes and all? कहाँ पे गिवन है? धर्म सूत्र. धर्म सूत्र में ही गिवन है कि आपको जब बर्न किया जाएगा. हम मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे हु वेंट अगेंस्ट धर्म सूत्र. बस आपना ही वेंट अगेंस्ट धर्म सूत्र. धर्म सूत्र इज हाउ यू गोइंग टू रेगुलेट. हर कोई अपने सिस्टम में कैसे रेगुलेट करेगा? किंग का काम क्या है? टैक्सेस कलेक्ट करना, प्रोटेक्ट हिज पीपल एंड कैन ऑल्सो अटैक अदर किंगडम्स सो एज टू गेट मीन एज टू गेट मटीरियल वेल्थ. इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपद कौन सा था? मगध. मगध कहाँ पे है? वेयर इज बिहार. बिहार. पटना तो पाटलिपुत्र. पटना बिकेम द कैपिटल लेटर. इट वॉज नोन एज पाटली. मगध के बाद कौन सा किंगडम आया? अगेन वेरी इंफ्लुएंशियल, मौर्य. इज इट क्लियर? मगध के बाद कौन सा किंगडम आया? मौर्य. सिंपल सी चीज है, हम सिंपल चीजें बात करते हैं. हमने बात किया क्या नई चीज आई, लोग कैसे बड़ी करते थे, क्या लैंग्वेज में डिफरेंस आया. ऑफ कोर्स देयर इज गोइंग टू बी सम डिफरेंस. अब क्या था? क्या कोई डिफाइंड कल्चर था उस टाइम पे? कोई डिफाइंड वे था? हमें नहीं पता. अभी पता है क्योंकि धर्म सूत्र अभी भी चलते. तो जो हमारे लॉस थे वो बनने इस टाइम से स्टार्ट हुए. दिस इज ऑल्सो थिंग एज आई सेड प्रायर टू दिस, प्रायर टू महाजनपद कमिंग देयर वाज नो लॉ ऑफ मैरिज. सो जो ऋषि होते थे, सेजेस जिसे बोलते हैं, दे वर द वंस हु कंट्रोल्ड. ब्राह्मिन्स ने क्यों? ब्राह्मिन्स तो हम बोल देते हैं, एक्चुअल ब्राह्मिन्स नहीं थे, दे वर सेजेस जो जंगलों में तपस्या वगैरह करते थे. Somebody who's used to very intelligent. So the story, this is behind the Rigveda, that how marriages now started being written. So this guy became a sage, but he realized he did not get mother's love. The sage who wrote about the marriages. He did not get mother's love because that time there were no marriages. So his mother produced him, then she decided to go with somebody else. So he said, there's no mother love that I got, but there's a mother love that we need to got. And that's how the marriages now started coming in. The marriages we'll also read in the next chapter were how many types? 8 types. Is it clear or not? Kaunsi type? Ek, love marriages against anti. Yaad rakh, Mr. Negi, wo woh the love marriage nahi ho sakti. Theek hai? ये चीज को उसने बोला ये गलत मैरिज है. चार अच्छी ठीक मैरिज है, चार गलत. पक्का मिस्टर नेगी जैसा ही होएगा. नहीं था अच्छा. ओके, क्लियर और नॉट? ओके, सो एवरीबडी आई एम जस्ट कोरिलेटिंग द नेक्स्ट चैप्टर. धर्म सूत्र क्लियर हो गया. बोला धर्म सूत्र से हाउ द किंग इज सपोज टू डू. अगर हम बात करें 16 महाजनपद में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? मगध. मगध ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों हुआ? नीचे पॉइंट्स लिखने स्टार्ट कर दो. आई हैव गिवन स्पेस फॉर दैट रीजन. इसका रीजन ही मैंने बोला है क्यों रखना है. सबसे पहले क्या हुआ मगध में? क्या था? व्हाट वाज अवेलेबल? एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर क्यों? गंगा. सेकंड, उस टाइम पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लड़ाई के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होती थी बता? हस्त्र है. सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होता था उस टाइम पे? एलिफेंट्स. सो एलिफेंट्स वर फाउंड हियर. थर्ड, और क्या चाहिए? झारखंड बिहार में क्या अवेलेबल है? आयरन ओर. आयरन से ही क्या बनेंगे? वेपन्स. एंड द फोर्थ थिंग दैट इज गिवन अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट एंड जैन स्क्रिप्चर्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट किंग्स. व्हिच वर द किंग्स अवेलेबल हियर? बिंबिसारा, अजात शत्रु एंड महापद्मा नंदा. दे वर द वंस हु वर द स्ट्रॉन्गेस्ट. व्हाट आर द फोर रीजंस? लिख लिया. पहला रीजन क्या है? एलिफेंट्स. एग्रीकल्चर अवेलेबल है. रेवेन्यू रिसोर्स चाहिए ना किंगडम को रन करने के लिए. एग्रीकल्चर अवेलेबल है, गंगा फॉल्स. व्हाट इज द सेकंड थिंग? एलिफेंट्स. थर्ड, आयरन. आयरन से क्या बनेगा? वेपन्स. उस टाइम पे आयरन जो तलवार थी वो तो आयरन से ही बनेगी. इज इट क्लियर और नॉट?
सीन गैंग्स ऑफ वासेपुर, कट्टे भी वहां से, आयरन तो चाहिए ही चाहिए, हर चीज में क्या चाहिए, आयरन. फोर्थ इज द बुद्धिस्ट एंड जैन सेट दीज आर द किंग्स हु आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, जिन्होंने मेक श्योर किया कि ये किंगडम स्ट्रॉन्ग है. इनकी जो ये कैपिटल थी राजगिरिया है, राजगिरिया विच इज नोन एज द हाउस ऑफ द किंग्स. इट वॉज फर्स्ट राजगिरिया मौर्यंस ने शिफ्ट करके कहां पे लेके, पाटलिपुत्र विच बिकम्स पटना, प्रेजेंट डे पटना. ये बस इतना ही मार्क करना है, चार पॉइंट्स है, देख लो अगर उसमें मार्क करना है उस पर कर लो. लिखने के लिए मैं इस करके बोला है सो दैट व्हेन यू रिवाइजिंग आपके लिए बहुत ईजी हो जाए, द स्पेस अवेलेबल. क्लियर और नॉट? फर्स्ट क्या है आपके पास, टूल्स वेपन्स के लिए क्या चाहिए, आयरन ओर. सेकेंड एग्रीकल्चर, थर्ड एलिफेंट्स. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या है, बुद्धिस्ट जैन ने क्या बताया, द किंग्स दैट वर देयर, विच वर द किंग्स, इज इट क्लियर और नॉट? व्हाट वाज द कैपिटल, राजगाहा, जिसको राजगिरी यहाँ बोलते हैं, द हाउस ऑफ द किंग. फिर इसको शिफ्ट क्या किया, पाटली. इज इट क्लियर? 60 महाजनपद कर लिया हमने, ये कर लिया. व्हाई डिड मगध रूल द रूस्ट, वी ऑल्सो केम टू नो अबाउट दैट. कैन वी मूव अहेड नेक्स्ट, मगध की बात करें, मगध का एंड खत्म हुआ क्या, किससे, मौर्यन एम्पायर. मौर्यन एम्पायर कहां से कहां तक था, अफगानिस्तान बलूचिस्तान से लेके कलिंगा, कलिंगा इज उड़ीसा. सो वी आर टॉकिंग अबाउट एंटायर नॉर्थ इंडिया. इज इट क्लियर? हिंदू कुश माउंटेन्स पूरी लगा लो टू उड़ीसा. सो हाउ डिड वी गेट टू नो अबाउट दिस, सबसे पहले तो किसने सबसे ज्यादा लिखा, अशोका ने. अशोका ने रॉक्स स्क्रिप्चर्स में रखा. हु वाज द वन हु स्टार्टेड द मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य. उसके बाद देन यू हैड हिज ग्रैंडसन हु मेक्स श्योर दैट इट गोज टू द मैक्सिमम. कौन था, अशोक. व्हाट इज ही कॉल्ड, अमन, इसका नाम दूसरा अपने आप को क्या बोलते हैं, हाँ याद रह जाएगा ये तो, ये नहीं भूलेगा तुझे. व्हाट डिड ही कॉल हिमसेल्फ, इज इट क्लियर, लेसन टू बिहोल्ड. हु डिस्क्राइब द डिसाइफर द स्क्रिप्ट, मानचु किसने, ये दिल्ली में इसके नाम पे गार्डन है बिल्कुल इंडिया गेट के बाहर, डैश पार्क, इसी के नाम पे है. अगर बाई चांस नहीं याद रहता तो मैं इसके लिए बता रहा हूँ, प्रिंसेस पार्क, प्रिंसेप. सो यस, इसके नाम पे बना है वो प्रिंसेप पार्क. क्लियर और नॉट? एपिग्राफिस्ट कौन सी दो स्क्रिप्ट सी, ब्रह्मी और खरोस्ती. इज इट क्लियर? ब्रह्मी कहाँ पे थी, इंडिया, खरोस्ती नॉर्थ वेस्ट. ओके, अगर हम बात करें अशोका का एम्पायर क्लियर हो गया कहाँ तक था, अफगानिस्तान से लेके उड़ीसा तक. अब हमें कैसे पता लगा मौर्यन एम्पायर के बारे में, सबसे पहले तो इसने क्या किया, रॉक एडिक्ट्स. क्या बना दिए, रॉक एडिक्ट्स. व्हाट डिड ही मेक, हर जगह पे पत्थर लगा दिए पॉलिश के और बता दिया कि मैं इधर है. क्लियर है कि नहीं? व्हाट डिड ही डू द सेकंड थिंग अपार्ट फ्रॉम दैट दैट वी केम टू नो, इट इज द पीपल राइटिंग अबाउट इट. Which were the people writing about it? Magnethesis. Magnethesis की कौन सी बुक है? इंडिका. लिख लो. Magnethesis, a Greek ambassador in the court of Chandragupta Maurya. इसकी बुक का नाम नहीं लिखा हुआ, लिख लो इंडिका. What was the name of the book? इंडिका. He wrote about it कि हाँ, there was this चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन सा था, मिनिस्टर, चाणक्य. That is also written. So we came to know from that. Which is the name of the book? Arthashastra. By whom? Kautilya or Chanakya. And the third source is Buddhist and Jain scriptures, which talked about the Mauryan kingdom. How did we get to know about it? First is the people, जो बाहर से आए, कौन से, rock edicts, people writing about it. Third, religions writing about it, Jainism and Buddhism. It's very clear. Till the 7th century, rise of Bhakti, Jainism and Buddhism were all across in India. Jainism did not grow much in India. Buddhism again grew a lot, then it stopped down again. Clear or not? Which were the ones that we talk about? Jainism and Buddhism. Is it clear or not? Next. While these are useful, the inscriptions of Ashoka on rocks and pillars are often regarded as the most valuable source. अशोका वॉज द फर्स्ट रूलर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है,
who inscribed his message to his subjects and officials on stone surfaces, natural rock, as well as polished pillars. क्या बोलता था अशोक? वही कहता एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो, स्लेव्स को अच्छी तरह से रखो, ब्राह्मिन्स को खाना दो. वो सबसे दोगला आदमी तो ये था. इतने लोग मार मूर के कहता चलो ये सब करना चाहिए, विच इज ट्रू. अब एक और चीज, इसका रॉकेट एक्ट में ना हर जगह पे इसने बोला है, मैं सॉरी फील करता हूँ. उड़ीसा में ये रॉकेट एक्ट में मिस कर दिया, इसने लिखा ही नहीं मैं सॉरी फील करता हूँ, ठीक है भूल गया होगा लिखते हुए. एग्जैक्टली, ही गॉट वो जो भी है, ही गॉट दिस सडन रेवोकेशन. 99 ब्रदर्स ही किल्ड सो मेनी पीपल, देन उसको अकल आई. ओहो, वॉर में तो क्या रखता है, इज इट क्लियर और नॉट? सो दिस इज दिस पर्सन, व्हाट डिड ही से, व्हाट इज द स्क्रिप्चर सेइंग? यस, व्हाट इज द स्क्रिप्चर सेइंग एवरीबॉडी? इट इज अबाउट धम्मा. व्हाट इज धम्मा? द वे दैट इन व्हिच यू लिव. अब सबको बता रहा है ऐसे जीना है. और एक और मिनिस्टर भी बनाया धम्मा इंचार्ज, जो इनको प्रीच करते हैं लोगों को. व्हाट इज धम्मा? एल्डर्स की रिस्पेक्ट, जेनरोसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मिन्स, रेनाउंसिंग वर्ल्डली लाइफ, सब त्याग दो. खुद मार मूर के कहता अब सब त्याग देना चाहिए. ट्रीटिंग स्लेव्स एंड सर्वेंट्स काइंडली एंड रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन एंड ट्रेडिशंस ऑफ देयर काइंडली उन. हाँ, स्लेव्स होने नहीं. उसने क्या बोला, अच्छा इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्लेव से वो काम कराओ जिसे आता हो, खाने को टाइम पे दो, छुट्टी चाहिए तो दे देगा, ये बोला है. आगे पढ़ेंगे, वी आर गोना रीड दैट. ये तो सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, कैसे पता लगा हमें. अब सेकेंड चीज है बड़ा इंटरेस्टिंग, ये क्वेश्चन आ चुका है आपके इस बार के पेपर में, 2023 के पेपर में आया था. विच ऑफ द प्लेसेस आर नॉट इंक्लूडेड विद द अशोकन इंस्क्रिप्शंस? इनकी कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र तो है ही. सेकंड कौन सा हो गया? उज्जैन, तक्षली, तक्षला, ये सब ट्रेड रूट्स थे. तो साली, सूर्य नगरी इज द नेम गिवन टू अ सिटी इन साउथ इंडिया दैट इज टू एक्सट्रैक्ट गोल्ड, दैट्स हाउ द नेम कम्स. विच वन? सूर्य नगरी. ये क्वेश्चन आ चुका है. एज ए सेड, जहां पे चार पांच चीजें इकट्ठी दिख जाए, याद रख लो दिस इज व्हाट द यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क. इन्होंने पूछा कौन सी नहीं एसोसिएटेड. पाटलिपुत्र कैपिटल है, उज्जैनी, तक्षशिला क्या है, ट्रेड रूट्स पे है, इसे क्लियर. सूर्य नगरी क्यों है, साउथ इंडिया के लिए. ये सब जो सिटीज हैं ये इस करके फेमस है. कौन सी पांच सिटीज हैं जहां पर मेजरली इन्होंने किया हुए पोलिटिकल सेंटर्स? एवरीबडी क्लियर विद दिस? किसके टाइम की बात कर रहे हैं? अशोका. अब ये क्या बोलते हैं कि क्या इन जगह पे सब इक्वल हो सकता था, क्या इक्वली डिवाइडेड रिसोर्सेस थे? हाउ डिड ही हैव अ कंट्रोल? दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू गो थ्रू. डिड ही हैव अ कंट्रोल ओवर ऑल द रिसोर्सेस? एज आई सेड, लेट्स जस्ट गो थ्रू इट. यू हैव ऑल दीज प्लेसेस, मेजर ऑर्किटेक्ट्स, माइनर एंड पिलर इंस्क्रिप्शंस. इतना ये तो याद नहीं हो पाएगा, बस पांच चीजें. इज इट क्लियर? ये आपका किंगडम है उसका, बेसिकली ये पूरा का पूरा उसका किंगडम था उस टाइम. येलो वाला नहीं, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो मार्क किया हुआ है सर्कुलर, दिस इज व्हाट वी सी. ही हैज इन दिस प्लेस, बट यहाँ पे उसका किंगडम नहीं था. ओके, कम्युनिकेशन अलोंग बोथ लैंड एंड रिवराइन रूट्स वर वाइटल फॉर एग्जिस्टेंस. जर्नीज फ्रॉम द सेंटर टू द प्रोविंस कुड हैव टेकन बट मंथ्स. दिस मीन्ट अरेंजिंग फॉर प्रोविजंस. मैग्ना थीसिस ने अपनी बुक में बताया है, इसने से सिक्स यूनिट्स बनाए थे अपनी आर्मी के, एक नेवी के. कौन से सिक्स यूनिट्स थे, लिख लो नीचे जो स्पेस भरी हुई है. सिक्स यूनिट्स के बारे में किसने बताया? मैग्ना थीसिस, अबाउट मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य. क्या क्या था? पहला क्या था? नेवी. सेकंड क्या है? जो इनको सप्लाई करेगा, सप्लाई को एमिनेशन भी देनी है, खाना भी देना है, ये घोड़ों का खाना भी देना है, रहने के लिए जगह देनी है वो. थर्ड इज फुट सोल्जर्स, फोर्थ एलिफेंट्स, फिफ्थ चैरियट, एंड सिक्स्थ इज व्हाट वन? हॉर्सेस. छह लोगों के बारे में बताया. क्या हुआ? फर्स्ट जो सेकंड सप्लाई करेगा सबको, क्लियर? क्या सप्लाई? वेपन्स, खाने को. दिस इज द फर्स्ट टाइम. व्हाट इज द सप्लाई कोर इन आर्मी? एएससी. इसे क्लियर हो ना? यस. एलिफेंट्स भी तो रखने हैं, एक एलिफेंट्स को रखने के लिए, एक चैरियट्स को देखने के लिए, एक हॉर्सेस को देखने के लिए, एक फुट सोल्जर्स को देखने के लिए. सिक्स डिफरेंट यूनिट्स बना दिए, जैसे यूनिट्स होते हैं. इसे क्लियर हो नॉट? हु टोल्ड अबाउट दिस? मैग्ना थीसिस. इन विच बुक? इंडिका. क्लियर हो नॉट?
इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सब व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इट, ये लाइन आ सकती है। वो सेकंड वाले का पर्पस क्या था, अरेंजिंग बुल्क कार्ट्स टू कैरी इक्विपमेंट, प्रोक्योरिंग फूड फॉर सोल्जर्स, फॉर्डर फॉर एनिमल्स, रिक्रूटिंग सर्वेंट्स एंड आर्टिसंस टू लुक आफ्टर द सोल्जर्स। अशोका ऑल्सो ट्राइड टू होल्ड हिज एम्पायर टुगेदर बाय प्रोपोगेटिंग धम्मा। धम्मा के लिए कौन स्पेशल ऑफिसर्स थे, धम्मा महात्मा। इज इट क्लियर और नॉट, अशोका ने नए ऑफिसर बना दिए कौन से, धम्मा महात्मा। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य एम्पायर किसने स्टार्ट किया, चंद्रगुप्त मौर्य, उससे पहले कौन सा था, मगध। मगध क्यों इतना पॉपुलर हुआ 16 में से, फॉर रीजंस, व्हाई डिड मगध गेट मोस्ट पॉपुलर, क्लियर। रोट अबाउट, नेक्स्ट वन, व्हेन हिस्टोरियंस बिगैन रिकंस्ट्रक्टिंग अर्ली इंडियन हिस्ट्री इन द 19th सेंचुरी, द इमर्जेंस ऑफ मौर्यन एम्पायर वाज रिगार्डेड एज अ मेजर लैंडमार्क। सिर्फ पढ़ने के लिए बता रहा हूँ, इसमें रट्टा नहीं कुछ मारना। इट वाज इंडिया वाज देन अंडर द कॉलोनियल रूल एंड वाज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। 19th एंड 20th सेंचुरी हिस्टोरियंस फाउंड द पॉसिबिलिटी देयर वाज एन एम्पायर इन अर्ली इंडिया, बोथ चैलेंजिंग एंड एक्साइटिंग। ऑल्सो सम द आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड्स एसोसिएट मौर्यन इंक्लूड स्टोन स्कल्पचर्स were considered to be best examples, spectacular art typical of an empire. Many of these historians found the message of Ashoka's inscription very different from that of the other ruler. यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, why was Ashoka taken by majority of it? वो अपने आप को क्या consider करता था? Very humble. That's why we took Ashoka as a major pride. अब दो languages आई, प्राकृत, प्राकृत कहाँ पे है? Majority India में, North West India में कौन सी language आई? खरोस्ती. North West India में कौन सी language आई? खरोस्ती. Any doubts with this or not? ब्रह्मी एंड खरोस्ती। ब्रह्मी तो हमारे यहाँ पे संस्कृत नहीं, प्राकृत, सॉरी गलत बोला, ब्रह्मी और खरोस्ती उसमें। इज इट क्लियर और नॉट? सो दिस इज व्हाट वी फाउंड एट दैट टाइम। अब सिमिलरली व्हाट इज द, जो हमारी इंग्लिश है उसको क्या बोलते हैं, उसकी स्क्रिप्ट कौन सी है, रोमन, लैटिन नहीं है, रोमन। ए बी सी डी को क्या बोलते हैं, उसको क्या है, रोमन है क्या है? अल्फाबेट नहीं, वुड वी कॉल दिस स्क्रिप्ट, क्या एनीवन ऑनलाइन? हाँ बता, इसको क्या बोलते हैं, या लैटिन स्क्रिप्ट, Roman, it's also known as Roman alphabets. These are Roman alphabets. Now, look. Okay, अगर हम बात करते हैं script. अब एक script होती है, एक language होती है, दोनों में फर्क है. I have written in the Roman script, but language कौन सी है? Hindi. Script और language दो अलग चीज होती है. तो वो लिख रहे जरूर किसमें थे, ब्राह्मी में, पर लैंग्वेज कौन सी यूज करे थे, प्राकृत। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू, इज इट क्लियर और नॉट? द वर्ड प्राकृत से बनता है, क्लियर और नॉट? लाइक से फॉर एग्जांपल आपने हिंदी में लिखना हो स्मार्ट, स्मार्ट ऐसी लिखेंगे ना, मेरी सर जो भी है पंजाबी और वो मिक्स हो रही है मेरी। हाँ, ओके, यू गेट माय आइडिया और नॉट? सो आई हैव रिटन इन व्हाट स्क्रिप्ट, देवनागरी, बट आई हैव रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो स्क्रिप्ट इज डिफरेंट, लैंग्वेज इज डिफरेंट, क्लियर और नॉट? स्क्रिप्ट, दो स्क्रिप्ट हमारे पास आई, कौन सी दो स्क्रिप्ट आई, ब्रह्मी एंड खरोस्ती, लैंग्वेज वॉज डिफरेंट, क्लियर? हाँ क्या बात कर रहे हैं, क्या है? चिंबड़ी जाओ छोड़ी, तो भाई आगे आ रहा है तो इस साइड हो जा, तो उस साइड कहाँ जा रहा है, तो और उसके पीछे जा रहा है, तो ये चाहता है कि मैं ना देख पाऊं तो क्या कर रहा है, वो अलग बात है। ओके एवरीबॉडी क्लियर विद दिस, व्हाट आर द टू स्क्रिप्ट्स दैट वी हैव, ब्राह्मियन, ब्राह्मियन परोस्ती, बट व्हेन आई से लैंग्वेज इज गोना बी डिफरेंट, क्लियर होना? फर्दर येट इंपॉर्टेंट वॉज द मौर्यन एम्पायर विच लास्टेड अबाउट 150 ईयर, ज्यादा नहीं रहा, न्यू नोशन ऑफ किंगशिप। सिमिलरली साउथ इंडिया में जनरली जो किंग्स थे वर नॉट जनरली किंग्स, वर जनरली वॉट, समन्स।
और द वंस हु वर देयर, देयर वर बेसिक किंगडम्स दैट वर देयर, चेरास पांड्यास जो हम पढ़ेंगे, इसमें से बहुत क्वेश्चंस आने हैं, चोला चेरा पांड्यास भर भर के क्वेश्चन आएंगे. इज इट क्लियर? सिमिलरली हाँ क्या हुआ, क्यों नहीं चल रहा, क्या नहीं चल रहा? तो चोला चेरा पांड्यास हो गया इन तमिल, क्या हो गया? इज इट क्लियर? द एंशियंट ऑफ तमिल कंट्री विच इंक्लूडेड पार्ट्स, विच आर द पार्ट्स, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड विच वन, केरला. दीज वर द एरियाज प्रोवाइडेड फॉर स्टेबल एंड प्रॉस्परस कंट्री. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, साउथ में क्या थे, चीफ्स थे. चीफ्स पर जनरली जनरली किंग होता है, किंग को टैक्स कलेक्ट करना पड़ता है. इसमें उल्टा होता था, चीफ को खुद आके ट्रिब्यूट देते थे. आगे चीफ क्या करता था, सब में ट्रिब्यूट बांट देता. द चीफ का मेन पर्पस क्या होता, सिंपल सी बात है, अगेन पुराने टाइम की बात करें, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ मैन? नॉट, बिहारी वाली बात मत करते सीधा, इज इट क्लियर और नॉट? व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ मैन? फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइट, सेकंड टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट, दैट इज द पर्पस ऑफ चीफ्स. इफ यू हैव चोजन दिस पर्सन एज अ चीफ, व्हाट इज दिस चीफ गोइंग टू डू? ईदर हैव अ फाइट और सॉल्व एनी डिस्प्यूट और सेटल एनी डिस्प्यूट, दैट्स द पर्पस ऑफ द चीफ. So it was very much similar to that. In South India, we had basically chiefs. Now the chiefs did not have a standing army initially. When we talk about Magadha and all, they had a standing army. In South India, the chiefs did not have a standing army. So they were slight bit different. North India mein kya tha? The rulers used to ask for tributes, taxes karte the. Yahan pe unko directly kya milte hain? Chiefs ko kya mil raha hai? Tributes. Log aake paise de rahe. Second, chiefs used to distribute it. What is the purpose of the chief? Quickly. No regularly army, he had no regularly rituals, leadership in warfare and arbitrary disputes. Any doubts with this? Sorry? Is it clear or not? So what was the purpose? इसमें दिख रहा था performing rituals, leadership in warfare, third क्या arbitrary disputes. They had no regular army. The इनका कहाँ पे mention है? Tamil Sangam text contains poems describing chiefs and the ways in which they acquired and distributed resources. Many chiefs and kings, including the Santhwanas, who ruled over parts of western and central India. ये बहुत important है. यहाँ से आपके सरनेम्स बनने स्टार्ट होंगे. इन साउथ इंडिया यू फॉलो मैटरनल सरनेम या फिर पैटरनल, मैटरनल. सो यू आर ऑलवेज नोन बाय द सरनेम ऑफ योर मदर. इज इट क्लियर और नॉट? लाइक बेस्ट एग्जांपल महाभारत से भी हमें पता लगता है. इसको क्या बोला था, गांधारी पुत्र, पुता. सो दे यूज्ड टू से जो PUTA, पुत्र नहीं बोलते थे, प्यूटा बोलते थे. इज इट क्लियर? पुता वो केस है नहीं, पीस है. इज इट क्लियर? सो दैट वॉज द नेम गिवन. सो दैट शोज देयर इज अ मैटरनल सोसाइटी. सिमिलरली सेंट्रल एशिया से किंग्स आए जिनको हमने बोला शाखास. सेंट्रल एशिया से किंग्स आए कौन से थे? शाखास. इनके बारे में हमने और पढ़ना. संतवनास बहुत इंपॉर्टेंट है और शाखास दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शाखास का एक किंग था रुद्ररमन. जनरली शाखास जो बाहर से लोग आते थे, पीपल नेवर लाइक देम, बट रुद्र अमन ने अपने वो दिखाने के लिए कि यस वी आर इक्विवेलेंट एंड वी आर हेल्पफुल, ही हैड कौन सा है गुजरात में टेम्पल, वहां पे लेक इसने रिपेयर कराया था रुद्र अमन. इज इट क्लियर और नॉट? दैट्स हाउ ही केम टू नो अबाउट हिज सिग्निफिकेंस. क्लियर? देयर आर टू किंगडम्स अपार्ट फ्रॉम दैट. साउथ के मेजर किंगडम्स कौन से? चोलास, पांड्यास, पल्लवास. चोलास किस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे आपको? संतवनास भी थे. चोला सबसे इंपॉर्टेंट कब है? ड्यूरिंग भक्ति एंड सूफी. इसको कोरिलेट करेंगे हमने. साउथ का मैंने अलग पढ़ाना है, दिस इज जस्ट आई एम टीचिंग अभी नॉर्थ नॉर्थ का एंड आर्ट एंड कल्चर. इसे क्लियर हो ना? कौन से हैं ये वाले किंगडम्स हैं? संतवनास किसके अंदर है? दिस वन. सेंट्रल एशिया नॉर्थ वेस्ट साइड पे कौन थे? शाखास. नाउ कम्स द टर्म डिवाइन किंग्स. कौन अपने आप को देव पम्मी पम्नी एंड यूज टू कॉल्ड हिमसेल्फ? दिस वन, पियादासी. अशोका दो नाम है. सिमिलरली इस बार सिविल सर्विस में आया
वो पढ़ना, बुद्धा के डिफरेंट नाम क्या थे, तत्ता घाटा और ये सब पढ़ेंगे, बुद्धा के डिफरेंट नाम क्या थे, ऐसा अगेन पूछने का बेस्ट तरीका है। डिफरेंट नेम्स गिवन टू अशोका, ऐसे पूछ लेंगे। इस बार पूछा है सिविल सर्विसेज में डिफरेंट नेम्स गिवन टू बुद्धा। सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। अब ये आपके पेपर में आया था 2023 में, अगेन क्वेश्चंस का स्टैचू कहाँ पे है सबसे स्ट्रॉन्ग बड़ा, दे हैड शोन दे मेड स्टैचूज इक्विवेलेंट टू दैट शेप ऑफ द गॉड, सो कहाँ पे है, मथुरा मठ। सेकेंड कहाँ पे है, अफगानिस्तान, ये दोनों मार्क कर लो। सो क्वेश्चंस अपने आप को भगवान की तरह सोचते थे, द फर्स्ट सेंचुरी BC से लेके फर्स्ट सेंचुरी CE। The kingdom included Central Asia through Northwest India. The history had been reconstructed from inscriptions and textual traditions. The notion of kingship they wished to project as perhaps best evident in the coin and sculpture. Colossal statues of Kushans have been found in where? Mathura Math. Ye important hai, second kahan pe hai? Afghanistan. Secondly, the Kushans ne apne coins pe apna naam kya lagate the? देवपुत्र, सन ऑफ गॉड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को क्या बोलते थे? देवपुत्र। अगर आप ये देख रहे हो ना, इसमें स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है देवपुत्र, अपनी फोटो लगा दी और ये लगा दी, प्लेयर और नॉट, व्हाट दे कॉल्ड देमसेल्व्स, देवपुत्र। जो मैंने कल भेजा था ना कॉइन्स में, बाद में समझाऊंगा, जो कल भेजा था कॉइन्स वाला ग्रुप पे, ठीक है, जो ग्रुप पे भेजा था, अब मैं इसे कोरिलेट करूंगा बिकॉज इसमें से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं पॉइंट्स वाले। ये 2024 में से अभी 2 लाइन पीछे आपका क्वेश्चन आ जाएगा, इसी पेज में से 5-6 क्वेश्चन आ चुके हैं। सो फर्स्ट पॉइंट्स आ चुका है, ये सब आ चुका है, कंटेम्प्रेरी 2023 के पेपर में आ चुका है। क्या क्या फर्स्ट पॉइंट्स किसने इशू किए थे? अच्छा ये पहले तो अपने आपको क्या बोलते थे क्वेश्चन? देवपुत्र। क्वेश्चन के अंदर गॉड लाइक कॉम्प्लेक्स था, गॉड लाइक कॉम्प्लेक्स कैसे पता लगता है जल्दी बताओ, दो तरीके, एक तो स्टैचूज एंड कॉइन्स के ऊपर, नहीं इंडो ग्रीक्स, इंडो ग्रीक्स अभी करेंगे, डोंट वरी, इट्स गिवन इन द नोट्स, डोंट वरी। इज इट क्लियर और नॉट? इसने पेपर से पहले ना NDA मुझसे पूछा था ये क्वेश्चन, और वो 2 दिन बाद आ गया था पेपर। वो कौन है? तो CAPF में था, 2 दिन बाद NDA में आ गया था। ओके बैक अगेन। सो सबसे इजी चीज क्या है कि सबसे पहले इनका गॉड लाइक कॉम्प्लेक्स क्या था, सिंपल सी बात है, अपने आप को क्या बोलते हैं? देवपुत्र। पर इन्होंने भी कॉपी किया, किससे कॉपी किया? चाइनीज से। दे डिड नॉट डेवलप इट जस्ट लाइक दैट, दे कॉपीड इट फ्रॉम चाइनीज। सो एवरी किंग इन आर कंट्री, मिडिवल हिस्ट्री करेंगे, अशोका वगैरह ने पीछे अपने हेलोस बनाने स्टार्ट कर दिए। हेलो क्या होता है? लाइट, कहते हैं हम ही भगवान है। So every person who became a king considered himself as God. Every kingdom which prospered made sure it took help of religion. किसी ना किसी ने, जो सबसे ज्यादा प्रोग्रेस किया इंडिया में कौन किया? जिसने कुछ ना कुछ रिलीजियस चीज पे काम किया। इज इट क्लियर और नॉट? सो इनका कहां से, इनका क्या बोलते हैं, गॉड लाइक कॉम्प्लेक्स कहां से है? मथुरा मत। सेकेंड कहां पे है? अफगानिस्तान। इन्होंने अपने आप को क्या टाइटल देना स्टार्ट कर दिया? देवपुत्र, सन ऑफ गॉड। कहाँ से कॉपी किया? चाइनीज से। चाइनीज अपने आप को क्या बोलते हैं? सन्स ऑफ हेवन। बस जस्ट टेलिंग द लाइंस यू चैप्टर। बाय फोर्थ सेंचुरी देयर वाज एविडेंस ऑफ लार्जर स्टेट्स इंक्लूडिंग द गुप्ता एम्पायर, मोस्ट ऑफ दीज डिपेंड ऑन समंत, समंत सम मिलिट्री चीफ्स। ये पूछा जाएगा फोर्थ सेंचुरी में मिलिट्री चीफ को क्या बोलते थे? समंत्स। व्हाट आर द फोर्थ सेंचुरी मिलिट्री चीफ्स नोन एज? समंत। समंत के ऊपर किंग डिपेंडेंट है। अगर मिलिट्री चीफ इंप्रूव कर गया, स्ट्रॉन्गर हो गया, तो रिप्लेस कर देगा किंग। इज इट क्लियर और नॉट? सो समंत नाउ बिकेम वेरी पावरफुल, पावरफुल समंत्स कुड नाउ बिकम किंग्स। ये सब बताने की जरूरत नहीं है। कन्वर्सली वीक रूलर्स माइट फाइंड देमसेल्फ रिड्यूस्ड टू परस्ती। ओके अब हिस्ट्रीज ऑफ गुप्ता रूलर्स हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम लिटरेचर कॉइंस एंड इंस्क्रिप्शंस इंक्लूडिंग परस्ती। परस्ती मींस स्टोरी। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से अब क्वेश्चन आ चुका है, प्रयाग परस्ती किसने कंपोज की? हरिसेना। किसके बारे में कंपोज की? समुद्रगुप्ता। प्रयाग परस्ती इज अ लाइफ, किसमें गिवन है? अलाहाबाद पिलर। किसने कंपोज करी? संस्कृत में किसने कंपोज करी? हरिसेना। किसके बारे में है? समुद्रगुप्त। ये क्वेश्चन आ चुका है, परस्ती इज लाइफ हिस्ट्री। अच्छा अशोका ने अपने आप को बड़ा नॉर्मल दिखाया,
क्लियर। इसने क्या दिखाया भाई, हम अब गुप्ता एम्पायर की है, इसने बोला भाई इतना अच्छा किंगडम किंग है, ये तो भगवान से अच्छा है, ये गरीबी दूर करने आया है। जैसे मोदी जी का पेट डायलॉग बना देते हैं, मोदी जी आएंगे, मोदी जी पापा, मोदी जी ने बचा लिया। तो वही चीज थी, दैट इज व्हाट वी शॉ पे परस्ती। नाउ हिस्टोरियंस डू नॉट बिलीव द एंटायर परस्ती, बट द पर्पस ऑफ डूइंग दिस इज जस्ट टू फाइंड व्हाट वाज रिटन अबाउट हिम। जैसे ये देखो, बड़े इंटरेस्टिंग अपने बारे में बताता है। इन प्रेज ऑफ दिस देयर इज एन एक्सर्प्ट। एक्सर्प्ट क्या होता है, एक हिस्सा प्रयाग परस्ती का। ही वॉज विदाउट एन एंटागोनिस्ट ऑन अर्थ, उसका कोई दुश्मन नहीं था। ही बाय द ओवरफ्लोइंग ऑफ मल्टीट्यूड मल्टीट्यूड ऑफ हिज मेनी गुड क्वालिटीज अडॉर्न्ड बाय हंड्रेड्स ऑफ गुड एक्शंस हैज वाइप्ड ऑफ द फेम ऑफ अदर किंग्स विद द सोल्स ऑफ हिज फीट। पुरुषा बीइंग द कॉज ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ द गुड एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बैड, इनकॉम्प्रिहेंसिबल द वन हूज टेंडर हार्ट कैन बी कैप्चर्ड ओनली बाय डिवोशन एंड ह्यूमिलिटी। He possesses of compassion, the giver of many hundred thousand of cows. Mind has received ceremonial initiation for the upliftment of the miserable, poor, the forlorn of the suffering. He is resplendent and embodied in kindness to the mankind equal to the gods. अब कौन से गॉड्स इंपॉर्टेंट है, कुबेरा, वरुणा और कौन सा है, इंद्र और यम। ये कौन से गॉड है, वेदिक गॉड्स। इज इट क्लियर, सब वेदिक गॉड्स की बात। अब जब भक्ति आएगा तो कौन से गॉड स्टार्ट हो जाएंगे, पुराणिक। इज इट क्लियर, भक्ति में पुराणिक कौन आ जाएगा, शिव, विष्णु, ब्रह्मा। इज इट क्लियर और नॉट, यू विल सी न्यू गॉड्स। बट फोर्थ सेंचुरी में कौन से गॉड्स थे, वरुणा। वरुणा इज गॉड ऑफ ओशन, इंद्र रेन्स, यामा दिस, कुबेर। इज इट क्लियर और नॉट, सो दैट इज ड्यूरिंग द फोर्थ सेंचुरी। क्लियर और नॉट, प्रयाग परस्ती किसने लिखी है, हरिसेना। किसके बारे में लिखी है, समुद्र। ये मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। हाँ मिस्टर नेगी, क्या बात कर रहे हो, बता दे, सारी बातें नहीं पूछता, थोड़ी थोड़ी पूछ लेता हूँ। हाँ नहीं, कुछ तो इम्पोर्टेंट होएगा, बता दे, देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी। लाइक ओके, आई जस्ट मार्क दिस अप, यस, थ्री, मैं बता तो रहा हूँ, पांच क्वेश्चन रिपीट हो गए सिविल सर्विसेज में 2 साल के। हाँ समुद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता, एक पी, किसने लिखा, हरी सेना। अब मैं वही बता रहा हूँ, इसमें से पांच क्वेश्चंस इधर उधर घूम चुके हैं, अभी और पढ़ लो ये ठीक तरह से। क्या बोल रहे हैं, ये किसका स्टैचू है, कुशन। ये किसका स्टैचू है, कुशन, कहाँ पे, मथुरा में। विल ऑल्सो रीड इट लाइक, हाँ तभी तो लिखा गया है, काफी बड़ा है फिलोसफी। ठीक है, व्हाट डिड द सब्जेक्ट थिंक अबाउट द रूलर्स। अब उल्टा पढ़ते हैं। ओके, जटाकास आर बेसिकली स्टोरीज। जटाका क्या है, स्टोरी किसकी है, गंगा, गंदा टींडू जटाका, याद रखना। जटाका और पंचतंत्र जो स्टोरीज हैं, बेसिकली देवर रिटन, पहले क्या था, देवर द ओरल कंसेप्ट। गंगा टींडू में क्या लिखा है कि किंग जाता है अपनी प्रजा से पूछने कि वो कैसा है, ही गोज इन अ हिडन वे। लोग कहते हैं सुबह सुबह शाम रात को चोरी करने आ जाते हैं बेगर्स, सुबह सुबह सॉरी रात को चोरी करते हैं रॉबर्स, दिन में टैक्स पेयर चोरी करते हैं। सो द पीपल वर नॉट सो हैप्पी विद द किंग्स, व्हाई, दे वर कलेक्टिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स। सो हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, दोनों स्टोरीज को कंसाइड करना। क्लियर और नॉट, कौन सी स्टोरीज है, गंदा टीलू। जटाका का मतलब क्या होगा, हमेशा स्टोरी, आगे जितनी भी जटाकास हैं वो सब स्टोरीज हैं। क्लियर और नॉट, अब कैसे पूछ सकता है, मैं वो भी बता देता हूँ। ये बहुत बार है ना चेंज कर चुके हैं। सो वॉट दे डू इज दे विल आस्क, ये स्टोरी किसके बारे में है, कौन से बारे में कही है, गंगा, गंदा टींडू जटाका। इज इट क्लियर, सिमिलरली आई टोल्ड यू, सुदर्शन लेक किसने रिपेयर कराया था, शाखास। शाखा का कौन सा किंग था, रुद्र रमन। शाखा रूलर कौन था, रुद्र रमन। इवन दो ये बाहर का था, ही जस्ट मेड श्योर दैट ही
रिपेयर्ड द लेक। इसको आगे किसने रिपेयर कराया? मौर्य, सॉरी गुप्ता। इट वॉज फर्दर रिपेयर्ड बाय द, इज इट क्लियर ना? सुदर्शन लेक, गंगा, बस पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारे छोटा करके बता दिया। अगर कोई स्टोरी ऐसी आए जिसमें बोला हुआ किंग के जो रात को रॉबर्स रॉब करते हैं, दिन में टैक्स पेस करते हैं, कौन सी स्टोरी है? गंदा टिंडू जता, गंदा, तेरे तेरे नाम पे याद हो जाएगी, गंदा टिंडू याद रह जाएगा, जैसे ही देखोगे पंकज को क्या बोलना है, गंदा टिंडू। इसे क्लियर हो नॉट? गंदा टिंडू जटाका। जटाका क्या है स्टोरी? मैं इजी करके बता रहा हूँ, अगर ये लिखा हुआ है ये कौन सी है, बिकॉज ये अकेली स्टोरी नहीं है, देयर इज गोइंग टू बी 20 स्टोरीज। पंचतंत्र, पंचतंत्र इज अ स्टोरी, इज इट क्लियर? ये चीज है। सिमिलरली किसने रिपेयर किया था सुदर्शन? रुद्र। स्ट्रैटेजीज एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। अब यस, पंचतंत्र इज जस्ट स्टोरीज, ग्रुप ऑफ स्टोरी जो हम बचपन में पढ़ते रहे, ऑथर कोई नहीं, जस्ट स्टोरीज, वर्बल स्टोरीज जो लिखी गई। इज इट क्लियर ना? ओके, बैक अगेन, स्ट्रैटेजीज। अब आया, हाउ डिड दे, ऑफ कोर्स, हाउ आर दे मेकिंग मनी, हाउ आर दे मेकिंग मनी द किंग्स इन नॉर्थ इंडिया? सो दे वांट टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर। फॉर इंक्रीजिंग ऑफ एग्रीकल्चर दे विल ब्रिंग आउट न्यू टेक्निक्स। हाउ डू दे ब्रिंग अबाउट न्यू टेक्निक्स? इज द इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन टिफ प्लाउ। जितना डीप फरोज होंगे उतना एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्गर होगा। सेकेंड इज इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन क्या है? पहले सीड्स उगा दिया कहीं पे, फिर एक एक करके लगाया। इट वॉज डिफिकल्ट बट द प्रोडक्शन इंक्रीज। थर्ड, पंजाब साइड, हरियाणा साइड क्या आयरन टिप प्लाउ यूज कर सकते थे? नहीं, क्योंकि ये सब क्या था, रेत, रेत के पोर्शन में नहीं कर सकते। नॉर्दर्न एरियाज जो हिली एरियाज है वहां पे क्या यूज करोगे? होज, हिली एरियाज में। क्लियर और नॉट? पंजाब राजस्थान यू कैन नॉट यूज इट। सिमिलरली इन हिली एरियाज व्हाट आर यू गोइंग टू डू? व्हाट इज बेटर? हो एग्रीकल्चर। बस इतना कर लो, इतने वर्ड्स इंपॉर्टेंट मार्क कर दिए, दैट्स इनफ। टू, इज इट क्लियर और नॉट? एवरीबडी क्लियर विद दिस और नॉट? क्लियर? बस इतना ही पढ़ना है, आयरन टिप से याद रह जाएगा। आयरन टिप कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया? मेजोरिटी इंडिया में यूज हुआ। सेकेंड, हो एग्रीकल्चर कहाँ पे आया? जो हिली एरियाज है, पंजाब राजस्थान में ये नहीं कर सकते। सिमिलरली देर इज कनाल इरीगेशन कम है, वेल और टैंक इरीगेशन ज्यादा थी, थ्रू वेल्स एंड टैंक्स बट लेस कॉमनली कनाल। ज्यादा क्या था? वेल एंड। अब हम बात करते हैं रूरल सोसाइटी की। क्लियर सबको यहाँ तक? कोई डाउट? आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। इतना ही पढ़ना है सिर्फ, उससे ज्यादा नहीं करना, जो मार्क किया हुआ है दैट्स व्हाट मेक्स इट सिंपलर फॉर यू। नेक्स्ट वन, डिफरेंस इन रूरल सोसाइटी। अगर हम रूरल सोसाइटीज की बात करें, हमारे पास चार टाइप के लोग थे, सेम जैसे उस टाइम पे होता था, अभी होता था वैसा ही, वैसे थे। ये किस में गिवन है आपका? बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से हमने देखा है कि हाँ इट इज ट्रू। पहला हो गया लैंडलेस, सेकेंड हो गया एग्रीकल्चर लेबरर्स, थर्ड हो गया पेजेंट्स, चौथा हो गया लार्ज लैंड होल्डर्स। जो थर्ड एंड फोर्थ टाइप है उसको बोलते हैं गाहापति। क्या बोलते हैं? Used in Pali text to designate the second and third categories. Is it clear or not? What are they known as? Dahapatis. किस में? किस लैंग्वेज में? Pali text. The large landholders as village headmen whose position was often hereditary emerged as powerful figures, often exercised control over the cultivators. ये आएगा जो वो lines आती हैं 1, 2, 3, 4। इसके हिसाब से बता रहा हूँ, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है नॉट? सो ऑफ कोर्स जो सबसे अमीर है, जैसे अभी भी होता है, अमीर ही कंट्रोल करते थे विलेज को। सेकेंड, एवरी तमिल लिटरेचर द संगम टेक्स्ट आल्सो मेंशन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल लिविंग इन द विलेजेस। लार्ज लैंड होल्डर्स वर कॉल्ड एज वेलेलार्स, प्लाउमेन वर कॉल्ड एज उजावर्स, स्लेव्स वर नोन एज आदिमाई। संगम टेक्स्ट में भी इसका जिक्र किया गया, दैट मीन्स साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया में सेम ही चल रहा था। इज इट क्लियर? लैंड ओनर्स को क्या बोलते हैं? वेरेलास, साउथ में। इज इट क्लियर और नॉट? आदिमाई क्या है? व्हाट इज आदिमाई? स्लेव्स। उजावर क्या है? प्लाउमेन। इज इट क्लियर और नॉट? इंपॉर्टेंस ऑफ बाउंड्रीज।
मनुस्मृति इज वन ऑफ द बेस्ट नोन लीगल टेक्स्ट ऑफ अर्ली इंडिया, रिटन इन संस्कृत, कंपाइल्ड बिटवीन सेकेंड एंड सेकेंड BCE. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मनुस्मृति. मनुस्मृति क्या बताता है? इसी के अंदर क्या था? रूल्स ऑफ मैरिज, रूल्स ऑफ बरियल्स, रूल्स ऑफ एवरीडे लाइफ, वो किसमें कहा गया है? मनुस्मृति. दिस इज वॉट द टेक्स्ट एडवाइज द किंग टू डू सो. सीइंग दैट इन द वर्ल्ड कॉन्ट्रोवर्सी कॉन्स्टेंटली अराइजेस ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ बाउंड्रीज. इसने क्या बोला? एक एग्जाम्पल है, मनुस्मृति ने बताया किंग्स को अपनी बाउंड्रीज मार्क करने के लिए डिफरेंट तरीके, या तो आप ब्रिक्स बना दो, या स्टोन पिलर्स लगा दो, या फिर ऐसी चीज दबा दो ग्राउंड में जो डिके ना कर सके. एग्जाम्पल, स्टोन्स, बोन्स, काउज हेयर, शैफ, एशेज, वॉटर शेड्स, ड्राइड काउ डंग, ब्रिक्स, कोल, पेबल्स एंड दैट इज वॉट दे आर एडवाइस इन मनुस्मृति टू डू द किंग, फॉर द किंग टू डू. क्लियर और नॉट? एनी डाउट्स? कैन आई मूव अहेड नाउ? लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलाइंस. लैंड ग्रांट्स वर गिवन ऑफ टू टाइप्स. जो किंग होता था वो दो तरीके से देता था. हमें कैसे पता लगा? दो तरीके की लैंड ग्रांट्स है, एक तो स्टोन पे है और एक कॉपर पे. दो टाइप पे लैंड ग्रांट्स दिए जाते हैं. कौन सी दो चीजों पे? फर्स्ट इज स्टोन, सेकेंड इज कॉपर प्लेट्स. लैंड ग्रांट्स दो चीजों में दिए जाते थे. कौन से? स्टोन एंड कॉपर प्लेट्स. एवरीबडी क्लियर? विच वर प्रॉबली गिवन एज अ रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन ऑफ दोज हु रिसीव द लैंड. द रिकॉर्ड्स दैट सर्वाइव आर जनरली ब्रॉट अबाउट ग्रांट्स टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और टू ब्राह्मण्स. किसको दिए जाते थे? रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस या ब्राह्मण्स को. क्लियर और नॉट? हु वाज गिवन? मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर इन संस्कृत. फिर क्या था? थोड़ी देर बाद 6th सेंचुरी या 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स ये तमिल और तेलुगु में भी आने स्टार्ट हो गए. क्लियर और नॉट? किस लैंग्वेज में आने स्टार्ट हो गए? तमिल एंड तेलुगु. अगेन नेक्स्ट चैप्टर में हम इस लेडी का बहुत बात करेंगे, प्रभावती गुप्ता. शी वाज वन ऑफ द वन जनरली इट वाज देयर दैट लेडीज वर नॉट गिवन लैंड ग्रांट्स, पर ये अकेली थी हु वाज गिवन. हु वाज दिस पर्सन? प्रभा देवी गुप्ता. लैंड ग्रांट्स वुमेन को नहीं दिए जाते थे. ये अकेली लेडी रिकॉर्डेड है. इसका रीजन ये भी हो सकता है, शी वॉज द डॉटर ऑफ द किंग. इज इट क्लियर? अगेन इससे क्या पता लगता है? उस टाइम पे लाइसेंस, जो शादी होती है वो पावर बढ़ाने के लिए की जाती थी. सो प्रभावती गुप्ता वॉज मैरिड, वॉज डॉटर ऑफ चंद्रगुप्ता टू, वॉज मैरिड विद अनदर इंपॉर्टेंट रूलिंग फैमिली बटाकास. बटाकास कहाँ की थी? साउथ इंडिया की. इज इट क्लियर? प्रभावती गुप्ता वॉज मैरिड टू विच पर्सन? बटाकास. एंड शी वॉज गिवन वॉट? इज इट क्लियर और नॉट? वॉज गिवन लैंड एंड एक्सेस टू लैंड. बटाकास हुआ पावरफुल इन द डेक्कन अकॉर्डिंग टू संस्कृत लीगल टेक्स्ट. वुमेन वर नॉट सपोज टू हैव इंडिपेंडेंट एक्सेस टू रिसोर्सेज सच एज लैंड, बट इसको दिया गया. क्लियर और नॉट? हु इज दिस पर्सन? प्रभावती गुप्ता. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज शी इज द फर्स्ट वुमेन जिसको वॉज ग्रांटेड दिस. मोर लाइक शी वॉज लाइक अ रूलर. वो शी मैरिड टू वटाकास. सो इट्स द गुप्ता मैरिंग इन टू वटाकास. However, the inscription indicates that Prabhavati had access to land when she was then granted. कहा majority text में तो ये लिखा गया women were not given, but this is the exception. Which exception? Prabhavati Gupta. Is it clear who was she married to? This may be have been because she is a queen. जो मैं आपको बता चुका हूँ ये सब है. It is also possible that provision of legal texts were not uniformly implemented. The inscription also gives us an idea about rural populations. That includes Brahmins and peasants were also expected to provide a range of duties to the kings. Land grants such as the ones have been found in several parts of the country. They were regional variation in the size of land. Ab ye pooch sakte hain 1, 2, 3, 4 phir se. Wo statement wise. Land ek chota sa plot bhi ho sakta tha, huge tract of land. Kiske liye implement kiya jata tha? Both kings and sorry for the brahmins and peasants they had to follow. Agar aapne land grant de diya to land grant ka matlab kya hai? Koi tax nahi padega, kuch bhi hai, sab kiska rahega jisko land grant mila. Is it clear or not?
जिसको लैंड ग्रांट मिले ऑफ अनकल्चर्ड लैंड द राइट्स गिवन टू डोनर्स रिस्पूव द इम्पैक्ट ऑफ लैंड ग्रांट इज सब्जेक्टेड टू हैवी डिबेट। दो डिबेट्स है, पहला ये बोला जाता है कि इस करके दिया जाता है रिलीजियस, दूसरा ये बोला जाता है टू विन फेवर्स कि अगर किसी को लैंड दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ही कम टूवर्ड्स योर साइड। समन्स वैसे ही पावरफुल हो रहे थे तो उनको रिमूव करने के लिए क्या कर रहे थे, बार बार लैंड ग्रांट्स दे रहे थे। लाइफ इन अ स्मॉल विलेज बेस्ट एग्जाम्पल ये स्टोरी है, किसकी है, हरिश्चंद्र इज अ बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन द रूलर ऑफ कन्नौज कंपोज्ड इन संस्कृत बाय विच पर्सन, बाना बेटा। हर्षवर्धन की कौन सी बुक है, हर्षचरित। इज इट क्लियर और नॉट, इट्स बायोग्राफी। किसने बनाई, बाना भट्टा। इज इट क्लियर, देयर इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम द टेक्स्ट। अब ये फिर से पूछ लेंगे वहां पे कौन सी स्टोरी की जिसने बोला था कि किंग सुबह सुबह तंग करते हैं किंग वाले, गंदा डिंडू जटाका। इज इट क्लियर और नॉट, जटाका इज फॉर स्टोरी। बैक अगेन, हर्षचरित्र किसने लिखी है, किसके बारे में, हर्षवर्धन। वॉट इज इट ऑल अबाउट, कि एक फॉरेस्ट के आउटस्कर्ट्स के बारे में बताया, जो ट्राइबल पीपल क्या कर रहे थे उसके बारे में बताया गया। इज इट क्लियर, इट मेनली स्पेड कल्चर ओइंग टू द डिफिकल्टी अप्लाइंग स्पार्सली स्कैटर्ड फील्ड्स विद ग्रास फ्यू क्लियर स्पेसेस द ब्लैक सॉइल सिल्ट एज स्टिफ एज ब्लैक आयरन देयर पीपल मूविंग अलोंग द बंडल्स ऑफ बार्क काउंटलेस सैक्स ऑफ प्लक्ड फ्लावर्स। वॉट इज ही टॉकिंग अबाउट, वॉट वॉज हैपनिंग, इट्स अ स्टोरी अबाउट वॉट द ट्राइबल पीपल आर डूइंग आउटसाइड। किसकी स्टोरी है, हर्ष चित्र चरित्रा किसकी है, हर्षवर्धन। किसने लिखी है, मानवाटा। किस में लिखी है, संस्कृत। अब यही सिमिलरिटी है, प्रभावती ने कौन सी विलेज थी, दुगामा, वहां पे क्या थी, दिस इज व्हाट प्रभावती स्टेट्स इन इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन जो उसने कॉपर प्लेट नहीं दी हुई उसमें थी लिखा गया, क्या कहती है। जनरली हम क्या बोलते हैं, किसके पास लैंड होता था, मेल्स, दिस इज एन एक्सेप्शन, लैंड किसके पास है, फीमेल। प्रभावती किसकी डॉटर है, चंद्रगुप्त टू। किससे मैरिड थी, पटाखा। पटाखा नहीं यार, तो क्या बोले यार, इसे क्लियर, पटाखा। ठीक है, प्रभावती क्या थी, पी से, प्रभावती पी से, जटाका नहीं यार, जटाका इसे स्टोरी याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं सिर्फ। Is it clear? She is married to Vatakas. She is daughter of the Gupta. Chandragupta Maurya. Chandragupta. Is it clear or not? She is part of the Gupta. Commands the Gram Kutubinis, that is householders, Brahmins and others living in the village of Daguna. Be it known to you that the 12th of the bright Kartika, we have, in order to increase our religious merit, donated the village with pouring out of water to the Acharya. किसको दिया था, चनला सेवम। किसको दिया गया लैंड, चनला सेवम। ये लैंड जो उसको दिया गया, यू शुड ओबे ऑल हिज कमांड्स, वी कन्फर ऑन हिम द फॉलोइंग एग्जेम्पशन टिपिकल ऑफ एन अग्राहा द विलेज, नॉट टू बी एंटर्ड बाय सोल्जर्स एंड पुलिसमैन। वो जो उसका लैंड है उसमें कोई भी बाहर का आदमी नहीं आएगा। इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड ग्रास हाइड्स एज सीट्स एंड चारकोल टू टूरिस्ट रॉयल ऑफिसर्स, एग्जेम्प्ट फ्रॉम द रॉयल प्रेरोगेटिव ऑफ परचेजिंग फेमेंटिंग लर्कर्स एंड डिगिंग, एग्जेम्प्ट फ्रॉम माइंस हदीरा ट्रीज, एग्जेम्प्ट फ्रॉम ऑब्लिगेशन टू सप्लाई फ्लावर्स एंड मिल्क टुगेदर विद द राइट टू हिडन ट्रेजर्स एंड डिपॉजिट्स टुगेदर विद मेजर एंड माइनर टैक्सेस। तो उन्होंने क्या बोला, इसको फ्री में दिया जा रहा है। ये किसमें रिकॉर्डेड था, कॉपर इंस्क्रिप्शन। किसने लिखा है, प्रभावती। बट इट्स वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज द लैंड जनरली यूज टू बी विद मेल्स। इज इट क्लियर और नॉट, जो ये डोनेशन करते थे किस कौन से दो मटेरियल्स यूज करते थे, कॉपर प्लेट्स और स्टोन। इज इट क्लियर और नॉट, हर्ष इधर, हर्षवर्धन की कौन सी बुक है, बायोग्राफी। किसने लिखी, बानाभाटा। इज इट क्लियर और नॉट, अब आगे टाउन्स एंड ट्रेड, बस ट्रक, बसें बहुत आ गई, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक की है, अशोक लेलैंड की है, बता दे को किसमें जाना है ये बता दे, टाटा की है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, न्यू सिटीज।
Let's retrace our trips back to the urban centers that emerged in several parts of the subcontinent 6th century. As we've seen, many of the capitals were Mahajanpats. What are Mahajanpats? Capital. How many Mahajanpats were there? 16. What is the major Mahajanpat of Mauryan? Sorry, major cities of Mauryan? Five. Suryanagari. Next. Suryanagari, Patliputra, Takshila, Tussauli. These two are for Ujjain or Takshila. They are centers which are going for trade routes there. Suryanagari, the name comes from. Is it clear? Ujjaini, clear, were along the land route such as Puhar near the coast. Ye important hai. पाटलिपुत्र किस पे थी? रिवराइन. उज्जैनी किस पे थी? लैंड रूट्स. पुहार किस पे थी? कोस्टल एरियाज. ये देखो, दिस इज पुहार. पुहार कहाँ पे है? कोस्टल. उज्जैनी किस पे है? लैंड रूट्स. पाटलिपुत्र रिवर. रिवर, कोस्ट, लैंड. तक्षशिला अगेन फॉर दिस. स्टैचूज क्वेश्चन के कहाँ पे फाइंड किए हैं? दो. मथुरा, अफगानिस्तान. अपने आप को क्या बोलते थे? देवपुत्र. कहाँ से कॉपी किया? कॉइन्स एंड किंग्स के नाम लो बस. कॉइन्स एंड किंग्स सिंपल है, छोटा सा होता है बस. यहाँ तक चैप्टर भी खत्म हो जाता.